11 में एक यूनिक टीम बना करके अगर आप भी अच्छा खासा विन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अगर आपको वीडियो देखना है तो कंप्लीट वॉच कीजिए, अगर नहीं देखना है तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं कीजिएगा तो मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सभी चीज में होता है क्या, जब तक उसको आप सीखिएगा नहीं तब तक उसको आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाइएगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको सीखना चाहिए कि आखिर हमें जो बताया जा रहा है तो आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ऐसा कोई भी कुछ नहीं बोल देता है, उसके पीछे रीजन होता है, या तो उस चीज के बारे में जानता है या तो उसके प्रति वो खेलता रहता तो उसके प्रति उसका स्किल ज्यादा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधे आपको बताएंगे कि ड्रीम इलेवन पे टीम हमें किस तरीका बनाना है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। और आपको कौन सा लीग खेलना है, 3 मेंबर 4 मेंबर या फिर कोई भी लीग खेलना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सीधा सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि आखिर हमें ड्रीम इलेवन टीम बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और टीम किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेंडमली किसी एक मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिडनी सिक्सर और आपका मेलबर्न स्टार्स का जो मैच है उसके बारे में हम टीम बना करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहला बात ये चीज समझ लीजिए कि हमें प्रॉफिट ज्यादा कहाँ होने वाला है, उस चीज के लिए हम लोग खेलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हेड टू हेड खेलते हैं यानी कि 2 मेंबर का लीग खेलते हैं तो उसमें आपको मान के चलिए 50% जीतने का चांस रहता है, 50% हारने का भी चांस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको 50% का आपको प्रॉफिट होता है। मतलब सीधा सीधे समझ लीजिए, अगर 10 रुपये लगा रहे हैं तो 10 के जगह आपको 15 रुपये या 17 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर मान के चलिए यही आप 3 मेंबर लीग खेलते हैं, ठीक है, अगर 3 मेंबर लीग खेलते हैं जिसमें आपको अगर 27 रुपये लगा रहे हैं तो 27 रुपया में आपको 70 रुपया प्रॉफिट होता है, यानी कि आपका 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको मेरे अनुसार 2 मेंबर जिनको अच्छा लगता है खेलिए, मेरे अनुसार आप 3 मेंबर खेलिए तो आपका ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। कारण ये है कि मान के चलिए हम खेल रहे हैं तो जीतेंगे और हारेंगे भी, तो जब हम जीत रहे हैं तो मेरा 2 गुना प्रॉफिट आ रहा है, अगर हारेंगे तो मेरा 1 गुना प्रॉफिट जाएगा, ठीक है, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा जाएगा। तो अगर हम मान के चलिए 10 मैच खेलते हैं, 10 मैच में अगर 5 मैच भी हम जीत लेते हैं तो डबल का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप हारते हैं, मान के चलिए 10 मैच में 5 मैच हार भी गए तो हमको कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना हमने कमा लिया है, ठीक है। तो इस तरीका से अगर आप सोच के टीम बनाते हैं तो बहुत अच्छा टीम आपका बनने वाला है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आपको टीम बना करके दिखा देते हैं 3 मेंबर का टीम हमें किस तरीका से बनाना चाहिए। तो चलिए हम सिंपली मैच पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्रिएट टीम वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। मैं विजन 11 पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमें सबसे पहले किन किन प्लेयर्स को लेना होता है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर ड्रीम 11 खेल रहे हैं और 3 मेंबर लीग खेल रहे हैं तो उसमें आपको आंख बंद करके आपको चल जाना है कितना, 8 प्लेयर कॉमन, 7 या 8 प्लेयर, ठीक है, 7 या 8 प्लेयर आपको कॉमन ले लेना जो सभी के टीम आपको मिलेगा। वो आपका चले या ना चले उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपका वही मान के चले 3 या 4 प्लेयर जो रहेगा जो आप लीजिएगा एक्स्ट्रा में, 3 या 4 प्लेयर ये आपका विनिंग करवाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे करवाएगा वो चीज हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग टीम बनाते हैं तो पहले जो कॉमन प्लेयर हमने क्या बताया कि 6 से 7 प्लेयर या 8 प्लेयर, 8 प्लेयर हार्डली अपने टीम में ले लेना। तो सबसे पहले कैसे सेलेक्ट करेंगे वो चीज समझ लेते हैं। तो जिन खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज 80 से प्लस हो पहले हम उसको अपने टीम में लेंगे, ठीक है।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जे फिलिप्स का 95% है, तो इनको हम ले लेते हैं। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, देखिए 80% है, और 80% से कोई नहीं है। अब देख लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद हेनरिक्स, आपका देख लीजिए दो ठो हो गया 80% से ऊपर, और सब कुछ तो दिख नहीं रहा है। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन से आपको 81% का एक दिख गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऐसा कुछ दिख नहीं, मतलब है कि आपको पांच प्लेयर ऐसा मिला है जो कि 80% से ऊपर का है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब पांच ही हुआ, हमें लेना है कितना, 7 या 8। तो हम और देख लेते हैं तीन प्लेयर, तो पहले देखते हैं अब हमें कितना देखना होगा, तो यहां समझ लीजिए 70 से 80 के बीच का, ठीक है, 70 से 80 के बीच का जो प्लेयर है उसको हमको पहले लेना होगा अपनी टीम में। तो देखते हैं 70 से 80 कौन है पहले, तो जे सिल्क 73% है, इनको हम अपने टीम में लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं और कोई 70%, अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 70 तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन 68 एक आपको नजर आ रहा होगा जो कि ये है। तो 70 का भी एक ही ठो मिला हमें 70+ का, तो 6 प्लेयर अभी हुआ हमारे पास, 2 प्लेयर और हमें लेना है। तो अब क्या करना होगा, आपको 60 to 70 के बीच वाला लेना है, ठीक है। तो इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप तरीके से समझिएगा, 60 से+ का, तो 60 से ये हो गए जेविंस। उसके बाद और देख लेते हैं, 68 हो गया, मतलब 8 आपको कॉमन प्लेयर मिल गया। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, 8 कॉमन प्लेयर। अब 3 प्लेयर जो आपको लेना है वो लेना है उस पर रिस्क। तो रिस्क किस टाइप का, कि अगर जो खिलाड़ी का आप ले रहे हैं जिसको हम लोग ट्रम्प कार्ड कहते हैं, ठीक है, जो रिस्की प्लेयर होता है उसे हम ट्रम्प कार्ड कहते हैं, और 3 प्लेयर हमें कौन सा हमको सेलेक्ट करना है वो चीज समझ लेते हैं। तो सबसे पहला बात है कि 3 प्लेयर हमें पैसा लेना होगा, ठीक है, 3 में से पहले हम लोग 2 को सेलेक्ट करेंगे जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से नीचे का हो। पहले हम 2 खिलाड़ी को लेंगे 30 से नीचे वाले को, तो 30 से नीचे वाले को देख लेते हैं, 30 से नीचे नहीं है, और इधर देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 30 से तो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसमें है एक टॉम करन है आपका 21%। बैटिंग सेक्शन से देख लेते हैं, आपका जे वंस है 24%, 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लेयर बच गया, तो 1 प्लेयर आपको कैसा लेना है, तो 1 प्लेयर आपको ऐसा लेना होगा जो मैच में पहली बार खेल रहा है, या फिर मैच में अगर खराब परफॉर्मेंस के कारण उसे टीम से बाहर कर दिया गया, फिर से उसे टीम में एंट्री मिला है, उस प्लेयर को आपको एक ठो को अपने टीम में रखना है, क्योंकि आपके लिए वो ही ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कोई भी ऐसा प्लेयर जो कि आपको पहली बार मतलब सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे, या फिर वैसा खिलाड़ी जो कि टीम से बाहर चल रहे थे अचानक उसे टीम में मौका मिला है, जैसे कि सपोज करते हैं कंटरनाइल जो है, एन कंटरनाइल, इनको हम अपने टीम में ले लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 दिसंबर का मैच हुआ था उसमें 30 पॉइंट दिए थे, 13 दिसंबर का हुआ था उसमें नहीं कुछ भी नहीं, सिलेक्शन परसेंटेज 0 था। अब यहाँ 23 का देख लीजिए, यहाँ भी 0 है ना। तो अब यहाँ पे हमें इस खिलाड़ी पे रिस्क लेना है, तो हम इनको अपने टीम में ले लेते हैं। अगर इस तरीका से आपका टीम बनाते हैं तो बहुत ही हेल्प मिलने वाला है आपको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सीबीसी का सिलेक्शन करते हैं। तो सीबीसी का सिलेक्शन कैसे करना है वो चीज समझ लीजिए,
तो जैसे कि आपको दिखा देते हैं, मान के चलिए कोई भी, पहले तो सिलेक्शन परसेंटेज भी आपको नहीं जाना है, जे सिल्क पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए 48%, 38% और सॉरी पॉइंट 89 पॉइंट, मतलब 48, 38 और 89 पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो इसके अनुसार आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, या फिर अगर कैप्टन बनाना है तो कैप्टन बनाने के लिए ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना, आपको नोट कर लीजिएगा कि वैसा खिलाड़ी जो सीरीज में खेल रहा है और मान लीजिए पिछला मैच में उसका कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा, मान लीजिए 10 रन 20 रन बना करके आउट हो गया है और अच्छा खिलाड़ी अच्छा रन मार रहा है रेगुलर, तो उसको आपको कैप्टन करना है। तो जैसे मैं देख लेते हैं कोई ऐसा कोई खिलाड़ी मिल जाए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए और दिखा देते हैं पहले, ऐसा तो कोई खिलाड़ी नजर आ नहीं रहा है। चलिए देख लेते हैं हेंड्रिक्स का, तो हेंड्रिक्स का भी वही स्थिति है। टॉम करन का देख लेते हैं, तो देखिए टॉम करन का 1 8 तारीख का मैच हुआ था, फिर 11 का हुआ था, तो 8 तारीख में 6 पॉइंट दिया था, 11 तारीख में 95 पॉइंट दिया था, और फिर से 22 तारीख का मैच में 2% सिलेक्शन था, वहाँ 0 पॉइंट, मतलब है कि ये लगभग शायद नहीं खेले हैं। ठीक है, तो इनको आपको नहीं, अगर ये खेलते हैं तो इनको आप कैप्टन कर दीजिएगा आंख बंद करके। ठीक है, अगर ये खेलते हैं तो, क्योंकि जो खिलाड़ी, मैं पहले ही बोला कि जो खिलाड़ी टीम में से बाहर होकर के अचानक फिर टीम में एंट्री करता है, जैसे खेल परफॉर्मेंस खराब की वजह से बाहर है फिर अचानक उसे टीम में लाया गया, उस स्थिति में आप उसको अगर खिलाता है तो उसको आप कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हैं आंख बंद करके। ठीक है, और एक और टिप्स आपको दे देते हैं कि जैसे मान के चलिए ये बॉलर है, तो इनको देखिए 91 पॉइंट 66 पॉइंट, उसका अगला पॉइंट 2 मैच में लगातार पॉइंट दिया, तीसरे मैच में फ्लॉप हो गया, लेकिन ये बॉलर जो है काफी अच्छा है, तो जो जीरो होता है वही हीरो बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो जीरो पर आउट हो गया या फिर विकेट जिसे नहीं मिला, उसको आप मान के चलिए जो विकेट एक भी विकेट नहीं निकल पाए, तो उसको आप कैप्टन बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, तो इसको हम कैप्टनसी दे सकते हैं अगर थोड़ा सा हम रिस्क लेना चाहते हैं तो। अब मान के चलिए अगर ये बॉलर 2-3 विकेट निकाल लिया तो आप एक तरफा 3 मेंबर लीग जीत जाओगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग कॉमन प्लेयर के साथ जाएंगे किसको, तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है। ठीक है, तो इनके साथ जाएंगे, और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कम रिस्क में जाना चाहते हैं, तो वाइस कैप्टन से आप ग्लेन मैक्सवेल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कैप्टन चलेगा, आपका वाइस कैप्टन चलेगा, आधा पॉइंट का अंतर होगा, अगर ये आउट हो गया तो उनका कैप्टन जाएगा, आपका वाइस कैप्टन जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपको टीम बनाना है। मैं टीम को इसको पहले सेव करके आपको फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूं कि आखिर ये टीम किस तरीका से बना है। ठीक है, तो इस तरीका से आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 2 3 4 और 5, यानी कि 6-5 का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। तो जो टीम आपस में टक्कर वाला टीम होता है उसमें 6-5 का कॉम्बिनेशन होता है, और जो कमजोर टीम होता है, कमजोर और वीक का सामना अगर होता है तो उसमें आपको 7-4 का कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो में थोड़ा भी आपको जानकारी मिला है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।